तो बच्चों लीजिए, आज कक्षा 10वीं के गणित में हम पूर्ण वर्ग विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो आपका बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि ये किस तरह से हल किया जाता है। तो बच्चों, आज मैं केवल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। एकदम सरल है इस तरह के प्रश्न को हल करना। तो हम यहाँ पर पहले प्रश्नावली 3, आपका प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न ही लिया हूँ, CGBSE का। तो यहाँ पर आपका समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों, ये आपका 2x² + x - 4 = 0, ये आपका समीकरण है। तो जहाँ जहाँ x है उनको यहीं रहने दीजिए और 4 को इधर ले जाइए। चलिए अब हम लिख लेते हैं, पक्षांतर करेंगे इसको। इधर इसको ले जाएंगे, यहाँ माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। या तो आप चाहोगे तो यहीं पर जो है हल कर लेना और बाद में इसको इधर पक्षांतर करेंगे। चलिए मैं इसको पहले नहीं लेता हूँ, आपको सुविधा के लिए ये समझा दे रहा हूँ। यहाँ से हमारा ये समीकरण हमको जो बनाना है, यहाँ पर आपका प्लस दिख रहा है, तो समीकरण है हमारा आपका a² + 2ab - b² या आपका सूत्र है बच्चों। कौन सा का, किसका सूत्र है? तो a + b² का सूत्र है। तो ये प्लस आया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गुणांक हम देखते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है भाई, यही परेशानी है। और यहाँ पर हम देखते हैं x है यानी a है। चलिए इसको x के पद में मैं लिख देता हूँ, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे a = x है और b बराबर, हमको यहाँ पर कोई पद लाना है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है दूसरा घर में, तो इसी को हमको हल करना होता है। यहाँ पर अपने तरफ से इसको जो है हम लाएंगे और समीकरण का मान भी नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो पूरे समीकरण को यानी इसके जितने भी पद हैं समीकरण में उनको आप 2 से भाग दे दीजिए ताकि ये कट जाए। चलिए क्या हो जाएगा भाई, इसको इतना कर दीजिए, जो है पहले लिख लीजिए 2x² + x - 4 = 0 है पहले से, इसमें हम कर दिए 2 से भाग दे दिए, बटे दो, राइट का बटे 2 करोगे तो कोई अर्थ नहीं है, यहाँ का शून्य का शून्य ही आएगा। अंक को पहले ले जाते तो इसको इधर ले जाते तो 4/2 करते इसको, तो हम तो यहीं पर रखे हैं इसको। आप यदि इसको पक्षांतर करके पहले ले जाओगे तो इस पक्ष में भी आपको 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी दोनों पक्षों में 2 से भाग देना पड़ेगा। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 निरस्त हो गया। देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको देखना है, ये हो गया हमारा 1/2 गुणित x और ये 1 2 1 2 2 2 4। अब यहाँ पर मैं इसी को जो कट चुका है उसको फिर लिख देता हूँ। ये क्या बचा भाई, यहाँ से 2 से 2 निरस्त हो गया है, कट गया, x² बचा। यहाँ पर बचा है, x को अलग कर देता हूँ, यह है इसका मतलब, यानी x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 × x, और ये बचा है 2 2 हो गया है, तो एक इसको क्या लिखेंगे, -2 = 0। अब बच्चों इसको जो है आप इधर ले जाइए, माइनस में है प्लस, पहले भी ले जाते तो बन जाता, आपका मर्जी है, जब चाहो आप उधर ले सकते हो। तो हमको समीकरण का ये रूप प्राप्त करना है। देखिए अब पहला घर इस रूप में आ चुका है, देखिए एक घर को हमने ऐसे प्राप्त कर लिया, यानी ये a = x,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स, हम इसने चुन लिया एक जगह पर, एक जगह पर हमने क्या चुन लिया, एक्स चुन लिया है, तो ये एक्स स्क्वायर होगा, ये सूत्र में दिख रहा है एक्स स्क्वायर है। अब भाई यहाँ पर 2ab होना चाहिए, नहीं एक जगह पर तो एक्स आ चुका है, ये क्या है एक्स है, ये एक्स है, ये है पहले से, यानी यहाँ पर ए है आपका, बी नहीं दिख रहा है, चलिए अभी पहचान में नहीं आ रहा है। अब हमको 2 लाना है यहाँ पर भाई, यहाँ पर तो 1/2 है, तो क्या करेंगे इसमें 2 ऊपर में लाने के लिए, आंसर हर में हम 2 का गुणा कर देंगे, इसको ध्यान देना है आपको, यहाँ पर आपको बदलना है 2ab, यहाँ पर 1/2 है, इसको रहने देते हैं, 1/2 रहेगा ही, हम यहाँ पर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस इसी का मान नहीं चेंज होगा, 2 1/2 ये पहले से है, गुणित आंसर हर में दोनों में, यानी इस पद का मान उतना ही है आंसर हर में, इसका अपवर्त भर हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये जो गुणज बना रहे हैं, और इस तरह से हम देखते हैं एक्स का एक्स है, ये एक्स का एक्स भी है। अब बच्चों ऊपर में देखिए तो आपका 2 आ चुका है, ये 2, और ए का मान एक्स है, 2x भी हो गया, और बी की जगह पर आप क्या मानोगे, यहाँ पर इसको माइनस, ये 2 को इधर ले जाता हूँ, प्लस का 2 हो गया। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा 2x भी आ गया है, ये 2a है, बी का मान यहाँ पर अब क्या मानोगे है? इसको देखिए, ये भाई ये जो है 1/2 गुणित ये 2, यानी 1/4, इन दोनों को गुणा कर दो, चलो एक स्टेप में यहाँ पर गुणा कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को आगे ले जाता हूँ, ये दोनों को आगे कर दिया, और ये यहाँ पर बचा गुणित क्या हो गया है भाई, 1/4। अब देखिए प्रश्न को, यहाँ पर तुलना कीजिए, ये है 2, यहाँ पर भी 2 है, ये देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक जगह पर हम एक्स लिए हैं, एक्स है, ठीक है, बी की जगह पर क्या है यहाँ पर, 1/4, यानी ये आपका बी है। हम यहाँ पर देखते हैं ये ए है और ये बी है, तो बी बराबर आपका 1/4 है, लेकिन सूत्र में तो यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर भी है, और यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है। अब इतना सोचिए, यहाँ पर हमारा ये तो 2 इधर का है भाई, यहाँ पर अब हमको क्या लाना पड़ेगा, बी स्क्वायर लाना पड़ेगा, तो कैसे ला पाएंगे, समीकरण तो यहाँ पर संतुलित है आपका, ये संतुलन बराबर करके दिखा रहा है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर लाने के लिए, यानी ये बी चुने हो आप, 1/4 को बी चुने हो, तो बी स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, हम दोनों पक्ष में उतने का वर्ग जोड़ देते हैं, चलिए समीकरण के दोनों पक्ष में, यही इसका कॉन्सेप्ट है कि आपको जो है इस समीकरण के रूप में जो सूत्र है उसके रूप में इसको प्राप्त करना होता है। यहाँ पर 2 है आपका, तो हम पूरे समीकरण को 2 से भाग दिए, देखिए यहाँ पर 3 रहेगा, मान लो दूसरा प्रश्न में है, मैं आगे बताते जाऊँगा, तो यहाँ पर 3 से इसको पूरा को भाग देते, यानी यहाँ पर केवल 1 स्क्वायर को ही हम यहाँ पर छोड़ेंगे, बाकी समीकरण से इस समीकरण से जो है 3 रहेगा, तो 3 से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा, 4 रहेगा तो 4 से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा, तो ये अब हम यहाँ पर जो है बी का स्थान पर लाएंगे, ये सूत्र में देखिए प्लस बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भाई दोनों पक्ष में हम उतने का वर्ग करके जोड़ देते हैं, किसका, ये बी माने हैं, अब अपने आप आया है ये, 1/2 करके गुणित 2 किए, 2/2 किए, इसमें 1/4 आ गया, ये बी हो गया, तो दोनों पक्ष में 1/4 का वर्ग करके जोड़ने पर इतना कर दीजिए, आपका समीकरण बन गया, हल हो जाएगा समीकरण के दोनों पक्षों में किसका भाई, 1/4 का वर्ग, ताकि ये बी का वर्ग हो जाएगा जोड़ने पर। अब आप समझ गए होंगे कि हम ये सब जो कर रहे हैं वो क्यों है, इसी के कारण है, इसके रूप में प्राप्त करेंगे तो ये जितना भी आय रहेगा उसके बराबर ये होगा,
यानी ए धन बी स्क्वायर होगा यानी एक्स, और बी का मान क्या है आपका 1/4 होगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर बच्चों, ये हाथ से लिखता हूँ एक हाथ में पकड़ करके, तो कैमरा हिलता है इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा समझेंगे। ये 2x है गुणित 1/4 प्लस दोनों पक्ष में हम 1/4 का वर्ग जोड़ दिए, इधर भी ये 2 इधर चला गया है बराबर, तो ये समीकरण हमारा संतुलित ही रहेगा, ये समीकरण हमारा संतुलित ही रहेगा। क्या हो जाएगा भाई, 2 में इधर भी हम 1/4 का वर्ग जोड़ दिए, ये देखिए होल स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों इसको हम जब हल करेंगे तो ये अब दिखा रहा है आपका a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, अब आपको पता चल गया होगा ये b का वर्ग बनाने के लिए यानी इसी इसका हम यहाँ पर वर्ग करके दोनों भाग में जोड़ दिए यानी दोनों पक्ष में जोड़ दिए। अब इधर को हम हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 का 2 प्लस ये हो जाएगा 1/4 का वर्ग यानी 1 का वर्ग / 4 का वर्ग यानी 1/16, 4 × 16 होगा भाई, ये इसका वर्ग होगा तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। अब इधर का तो हमारा सूत्र बन गया है, क्या बन गया है भाई, इसका सूत्र एक्स स्क्वायर धन 2 ये क्या है 2x गुणित बी यानी 2ab है धन b का वर्ग, तो इसके बराबर होता है ये देखिए a धन b का वर्ग, a धन b का होल स्क्वायर यानी a के बराबर है x, हम लिख दिए x और b का वर्ग कर दिए तो क्या होगा b के जगह पर क्या होगा 1/4 का वर्ग होल स्क्वायर। ये इतने को अब हम इस सूत्र के रूप में बदल दिए, यही तो इसका मेन चीज़ है, आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं इसको तोड़ लेते हैं, मिश्र भिन्न है 16 × 2 = 32, 32 में ऊपर एक जोड़े 33/16, इसको अब फिर लिख दिया मैं 33/16, और बच्चों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x धन 1/4 का होल स्क्वायर, ये इसको मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल दिए, ये हो गया आपका इधर का। अब इसमें इस वर्ग का इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, ये बच जाएगा क्या x प्लस 1/4 बराबर ये इधर का क्या हो जाएगा भाई कर्णी 33, ये वर्ग है तो इधर आके क्या हो गया वर्गमूल हो गया 1/16, और ये कर्णी दोनों का है भाई, यहाँ पर आप देखेंगे ये 16 का भी कर्णी है और 33 का, तो कर्णी 16 का आप देखते हैं। आपका प्रश्न आया है x x प्लस 1/4 इक्वल टू आपका कर्णी 33 ऊपर में भी ले लिए और ये आपको समझाने के लिए कर्णी 16, ताकि किसी को परेशानी ना हो, जो वीडियो देख रहा है उसको पूरा फायदा मिले। ये मैं दोनों का है, ये देखिए ये जो हम लिए हैं ये दोनों का है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें आप जानते हो ये क्या होगा कर्णी 16 का क्या होता है भाई, पूर्ण अंक में आएगा 4 × 16 होता है यानी 4 × 4 लिख सकते हैं, तो ये हमारा ऊपर का तो कोई इस तरह से नहीं है, कर्णी 33 का कर्णी 33 अब ऊपर में हो गया, अब नीचे का क्या हो गया 4 आ गया, ये पूर्ण अंक मिल गया 4 × 4 = 4 × 16, और एक 4 बाहर आ जाएगा। अब इधर के बराबर क्या है भाई x धन 1/4। अब बच्चों ये जो आया है कर्णी करके लिए हैं तो ये क्या होगा भाई आपका, यहाँ पर जो हम लेंगे ये आपका 33/16 का 4 आ गया, और ये यहाँ पर चूंकि वर्ग का वर्गमूल लिए हैं तो ये मान जो होगा प्लस और माइनस कुछ दोनों हो सकता है भाई, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है,
और इसका इधर से वर्गमूल किए तो ये प्लस माइनस में होगा इसका उत्तर, यानी इसका उत्तर जो होगा प्लस माइनस में होगा। और इस तरह से यहाँ पर अब बच्चों यहाँ पर ये प्लस माइनस, क्योंकि इधर वर्ग का इधर वर्गमूल के हैं तो उत्तर प्लस और माइनस में होगा, और इसलिए अब पक्षांतर करके इधर आपको ये अंक को ले जाना है, यानी 1/4 को इधर ले जाना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे दो स्थिति होगा, जब धन लेंगे, धन चिन्ह लेते हैं, यदि धन चिन्ह लेते हैं, धन चिन्ह लें तो धन चिन्ह लेंगे तो क्या होगा भाई, समीकरण को लिख देता हूँ मैं, 1 से धन 1/4 बराबर कर्णी 33/4, ऋण को छोड़ दिए, यानी ये धन है बोल रहे हैं, यानी ये जो है धन चिन्ह को हम ले रहे हैं, तो कर्णी 33/4 हुआ। अब एक्स का इधर रख दीजिए और उसको उस अंक को उधर ले जाइए, इसलिए ये होगा आपका एक्स इक्वल टू कर्णी 33/4 पहले से है, और आपका ये जा करके इधर ऋण हो जाएगा, ऋण 1/4, ये हो गया। अब इसमें हर बराबर आ गया है, हर समान संख्या है, एक ही लिख देंगे, 4 का 4 और कर्णी 33 ऋण 1, ये आपका 1 से कमान है, ये आप जानते होंगे कि हर समान होने से ऊपर ऊपर को जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं, घटाना हो तो घटा सकते हैं, ये 1 से कमान हो गया। अब बच्चों जब हम इसको ऋण मानेंगे, यहाँ पर ऋण चिन्ह लेंगे, ये ऋण को लेंगे, तब देखते हैं, यदि ऋण चिन्ह लें तो क्या हो जाएगा भाई, 1 से धन 1/4 बराबर ऋण कर्णी 33/4 हो जाएगा, यानी 1 से धन, ये देखिए यहाँ पर 1 से धन 1/4 बराबर ऋण 33 कर्णी 33/4। अब हम धन को पहले स्थिति में क्या देखे थे, धन लिए थे, अभी हम क्या मान रहे हैं, इसको ऋण मान रहे हैं, तब क्या होगा, अब हम यहाँ पर उसी तरह से पक्षांतर करेंगे, ये जाकर किधर ऋण ही होगा क्योंकि ये धन में है, इसलिए एक्स इक्वल टू कर्णी 33/4, ये भाई क्या का है, ऋण का है, ऋण 1/4। अब बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर नीचे नीचे एक जगह आ जाएंगे, यानी इसका एक पक्ष ही ले रहा हूँ, यानी ऋण करनी 33/ ऋण 1 ऊपर का ऊपर में घड़ी आएगा 1/4। तो बच्चों यहाँ पर आपका मान आ गया है, और आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, और यदि नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर कमेंट कीजिए, मैं कल इसका दूसरा प्रश्न डालूँगा तो उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।